आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एमएलए तूफानी सरोज जी मौजूद हैं। उनसे करेंगे कुछ बातचीत और जानेंगे आजकल जो गर्माहट चल रही है इंडिया अलायंस में, उसके पीछे की वजह क्या है। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में राम मंदिर से करूंगी, फिर मैं आती हूँ आपके अलायंस पर। राम मंदिर को लेकर इन्विटेशन मिल गया, सब कुछ हो गई, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में जाने की इच्छा क्यों नहीं है? 22 के बाद क्यों? 22 के बाद, 22 के पहले भगवान के लिए कोई दरवाजा तो बंद नहीं है। हमारी इच्छा जब करेगी तब जाएंगे। अब किसी के कोई हमको निमंत्रण दे भगवान के यहाँ दर्शन करने के लिए तो अच्छी बात नहीं। हमारी जब इच्छा करी तब जाएंगे। हम 22 को जाएंगे, 22 के बाद जाएंगे, जब इच्छा करे जाएंगे। आस्था हमारी है भगवान के प्रति, जब हमारी मर्जी करेगी तब हम जाएंगे। हम अलायंस पे आते हैं, इंडिया अलायंस की बात करते हैं। कहाँ पेच फंस रहा है, क्यों पसंद नहीं आ रहा है कांग्रेस का साथ? नहीं, कोई पेच फंस रहा नहीं, जो कि ये अलायंस, ये कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी की बात, जो कमेटी में है वो लोगों की बातें कांग्रेस के साथ लगातार चल रही है। अभी उनके पास भी वक्त नहीं है, अपने काम में व्यस्त हैं जो है, तो अलायंस हो जाएगा। अलायंस में कोई अटकले नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो है कोई दिक्कत नहीं है। सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनी है और अखिलेश यादव जिस तरीके से गुस्सा निकालते रहे हैं, खासतौर पे कांग्रेस जो है एकदम निशाने पर है अखिलेश यादव के, जब से ये अलायंस बना है उसके कुछ वक्त बाद से। सीट शेयरिंग की बात सब कुछ बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। जिसकी जैसा जन आधार रहेगा उसके आधार पर उनको सीट शेयरिंग दे दी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। सीट शेयरिंग की कोई दिक्कतें नहीं है, अलायंस होगा और बीजेपी के खिलाफ जो है एक प्रत्याशी मैदान में रहेगा। मायावती वापस आते हैं, उन्होंने एक खास संबोधन का इस्तेमाल किया अखिलेश यादव के लिए और जिस तरीके से बात का, ये तो साफ है मायावती का साथ तो नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं तो अकेले चुनाव लड़ूंगी, क्या माने? नजदीकी है, उनकी मर्जी है अकेले लड़ने का। हम तो चाहते थे साथ में लड़े, जो है उनका सम्मान था, जो है हम सम्मान करते हैं, उन्हें साथ में रहना चाहिए। अब वो किस दबाव में जो है आकर के कर रही हैं अकेले हम लड़ेंगे, ये तो प्रश्न आप उन्हीं से पूछ सकती हैं। ये राज वही बता सकती है आपको कि हम क्यों नहीं साथ में आना चाहते हैं, हम क्यों अकेले लड़ना चाहते हैं। ये तो सारी बातें उन्हीं से जानकारी मिल पाएगी आपको। हम उनका सम्मान करते हैं, अलायंस में आएंगे तो उनका स्वागत है। 2024 का चुनाव जो है वो किस तरीके से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ने की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि देखिए ये तो बहुत साफ है कि खुलकर अखिलेश यादव कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर कितनी बात बनेगी वो देखने वाली बात होगी, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? नहीं, वो भविष्य में है, सीट शेयरिंग में क्या होगा वो तो भविष्य में है, वो निर्णायक है, सुप्रीमो है, क्या निर्णय लेते हैं। और जो है 2024 के चुनाव के लिए हम अपनी 80 सीटों पर तैयारी करके रखे हैं और तैयारी हमारी चल रही है 80 सीटों पर। अब सीट शेयरिंग में कौन सा सीट छोड़नी होगी, कौन सीट लड़नी होगी, लेकिन सहयोग तो हर जगह करना है, संघर्ष तो हर जगह करना है, वोट देना दिलाना तो हर जगह है। तो 2024 के लिए समाजवादी पार्टी पूरा कमर कस कस के बीजेपी का सामना करने के लिए तैयार है हर स्तर से। और अगर चेहरे की बात की जाए तो चेहरे की बात है, चेहरा चुनाव के बाद चेहरा तय कर लिया जाएगा। बहुत बार ऐसे इलेक्शन हुए हैं, कोई चेहरा पहले से ही तय करना जरूरी नहीं है। जनता जो है जो निर्णय करेगी उस निर्णय में से चेहरा चुन लिया जाएगा, चेहरे दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।